हेलो बच्चों, कैसे हो? नमस्ते, आप सबका स्वागत है 10th क्लास साइंस के इस वीडियो में। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पता था पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हम पाठ 7 शुरू कर चुके हैं। हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? 7। और पाठ 7 में हमने पिछले वीडियो में परमाणु के बारे में आपको समझाया था और परमाणु सिद्धांत आपको बताया था। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने 1808 में, जो एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे। ठीक है ना? आज हम बात करने जा रहे हैं कि परमाणु का सिद्धांत हमारे पास आ गया और परमाणु के, अब परमाणु कणों का जब धीरे धीरे पता लगने लगा तो सबके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सभी वैज्ञानिक चाहते थे कि आखिरकार हमको पता तो लगना चाहिए कि परमाणु होता क्या है, गोल होता है, चौकोर होता है, कैसा होता है, मोटा होता है, छोटा होता है, कैसा होता है परमाणु, तो इसकी संरचना को तो हमें पता होना चाहिए ना। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए बहुत से वैज्ञानिक कूद पड़े और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए जो परमाणु मॉडल हैं उनका अध्ययन हमारे इस पाठ में हम करेंगे, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल माने गए थे। तो सबसे पहले ऐसे ही एक वैज्ञानिक की बात करते हैं जिसका नाम है जे.जे. थॉमसन। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले जो परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था जे.जे. थॉमसन के द्वारा। और जे.जे. थॉमसन के बारे में पिछले वीडियो में एक चीज और बताई थी, मैं ध्यान दिला रहा हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला कौन था? जे.जे. थॉमसन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला भी कौन था? जे.जे. थॉमसन। और परमाणु का पहला परमाणु मॉडल देने वाला व्यक्ति भी कौन है? जे.जे. थॉमसन। तो आज हम जे.जे. थॉमसन के परमाणु मॉडल की यहां पर व्याख्या करते हैं। ठीक है ना? तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप कह सकते हैं या मॉडल कह सकते हैं। परमाणु प्रतिरूप कह दो, वो तो हिंदी का शब्द है, मॉडल शब्द जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। तो यहां पर लिखेंगे हम सबसे पहली लाइन, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सर्वप्रथम जे.जे. थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इनके परमाणु मॉडल को, इनके परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं मैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? अब देखते हैं, इन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया उस मॉडल में क्या माना था इन्होंने, तो लिखते हैं थॉमसन के अनुसार। ठीक है ना? इन्होंने अपने मॉडल में क्या बात कही थी? परमाणु
दस की घात माइनस दस मीटर, मीटर का एक धन आवेशित गोला, धन आवेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह धसे रहते हैं, जगह जगह धसे रहते हैं, धसे रहते हैं लिख दो, चाहे वितरित होते हैं जो लिख दो, चलो वितरित शब्द लिख दो, वितरित होते हैं। मॉडल को ध्यान से पढ़ो, परमाणु कैसा है, 10 की घात माइनस 10 मीटर व्यास का एक धनावेशित गोला, परमाणु का व्यास कितना बता दिया इसने, 10 की घात माइनस 10 मीटर, और कैसा गोला है, धन आवेशित गोला है, यानी कि गोला पे कौन सा आवेश है, धन आवेश, और उसके अंदर समान मात्रा में, कौन की समान मात्रा में, धन आवेश की समान मात्रा में, यानी कि जितने धन आवेश वितरित है ना, वित्त के कौन है, ऋण आवेश, समान मात्रा में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह वितरित होते हैं, तो धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा कैसी मान ली, कैसी मानी गई, समान मानी गई, समान मान ली गई ना, तो क्या लिख सकते हैं, अतः परमाणु विद्युत रूप से, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। जब भाई धनावेश और ऋणावेश समान है गए तो उदासीन तो होना ही होना है, उदासीन होता है, ठीक है ना। अब देखो, पहले ही कह दी मैंने, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं इसको, इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, चलो आगे नोट करते हैं इसको, मत लिखो आप दोबारा से, इसकी तुलना किससे की गई थी, केक से की गई, ठीक है ना, तो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे जैसे केक बनता है, क्रिसमस केक है, जैसे क्रिसमस केक का उदाहरण हम लेते हैं, जैसे क्रिसमस केक, जैसे क्रिसमस केक को धनावेश भाई, क्रिसमस केक को तो धनावेशित गोला मान लो, ठीक है ना, धनावेश क्रिसमस केक को यहां धनावेश, क्रिसमस केक को धनावेश अब क्रिसमस केक को धनावेश जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पुडिंग, क्रिसमस केक को हमने क्या माना है, धनावेश माना है, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, पुडिंग की तरह मान सकते हो, पुडिंग की तरह मानते हैं, जिसमें अब इस केक के अंदर जगह जगह ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं ना,
तो केक को तो मान लिया हमने पुडिंग, जो धनावेशित गोला है, ठीक है ना। प्लम पुडिंग मॉडल नाम क्यों दिया उसकी व्याख्या कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्लम की तरह लगे होते हैं। मतलब देखो, ये तो केक हो गया, ठीक है ना। केक गोलाकार ही तो होता है, और इस केक के अंदर हम ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं, एक फल होता है, जैसे ऐसे लगा दिया जगह जगह, इस तरह से लगा देते हैं जगह जगह ड्राई फ्रूट्स को हम, तो केक अच्छा लगता है। तो अगर हम यह गोला है केक है तो प्लम मान लें, ठीक है ना, सॉरी पुडिंग मान लें, गोलातीत का करें हम पुडिंग, तो पुडिंग एक प्रकार की कहे गई मिठाई, पुडिंग एक प्रकार की कहे गई मिठाई, और पुडिंग एक प्रकार की मिठाई है, और इसके अंदर प्लम नाम का फल जगह जगह लगा हुआ है। अब ये प्लम नाम के जो ये कण हैं जगह जगह लगे हुए हैं, इनको क्या मान लें हम, इलेक्ट्रॉन। प्लम ये तो कहे गए इलेक्ट्रॉन, ये कहे गो धनावेश गोला, याक मारे आते प्लम पुडिंग मॉडल का ही भाई, ठीक है ना। अब देखो हमारे इंडियन कल्चर में हम या की तुलना कायते कर सकें, इंडियन कल्चर में भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी तुलना करते हैं हम बूंदी के लड्डू से या तरबूज से, ठीक इसी प्रकार तरबूज, तरबूज खूब जाने ना, तरबूज का लाल भाग धनावेश की तरह तथा इसमें उपस्थित बीज इलेक्ट्रॉन की तरह है, होते हैं। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, तरबूज गोल, एक तरबूज ले लें, उस तरबूज का जो भीतर का लाल वाला भाग है उसको तो मान लो आप धनावेशित गोला, और बामे कारे कारे जो बीज लग रहे हैं बिन्ने मान लो हम इलेक्ट्रॉन। तो धनावेशित गोला ले लिया, और धनावेशित गोला के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन वितरित हैं कि नहीं है, तो इस तरह से परमाणु मॉडल को मान लिया हमने थॉमसन के अनुसार, जिसको हम क्या बोले थे, प्लम पुडिंग मॉडल। समझ में आ रही है बात। अब इस परमाणु मॉडल को हम किस तरह से चित्रित करें, एक धनावेशित गोला ले, ठीक है ना, ये धनावेशित गोला हो गया, इसमें जगह जगह इलेक्ट्रॉन लगा दो, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये तो धनावेशित गोला हो गया, और ये ऋणावेशित कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ये थॉमसन के मॉडल का चित्र बन गया भाई साहब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, भले ही मैं इनने माइनस माइनस की जगह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लिख सकूं, अगर तुमको ऐसा लगे कि सर इलेक्ट्रॉन लिखो, तो देखो आप इस तरह से लिख दो, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से शो कर सकते हो,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, तो आप केवल ऋणावेश को यहाँ पर शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और E माइनस को शो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थॉमसन का परमाणु मॉडल हो गया। अब थॉमसन के इस परमाणु मॉडल में मुख्य रूप से क्या बताया गया, थॉमसन ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो सबसे पहले तो उसने बड़ी उपलब्धि ये थी कि उसने उस टाइम पर ही इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी। क्यों? अगर वो इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं समझाता तो कैसे पता लगता कि ऋणावेश सतह का ना है, नहीं पता लगता। तो उसने परमाणु को क्या माना, एक धनावेशित गोला, और उसका व्यास बता दिया, परमाणु का व्यास होता है 10^-10 मीटर। तो इतने व्यास का एक गोला है, बहुत छोटा है, एक के अंदर आप भाग दीजिए, एक के पीछे 10 जीरो लगाकर, तो बहुत छोटा है, बहुत सूक्ष्म है, जिसको आंखों से नहीं देख सकते। और इस धनावेशित गोला के अंदर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जगह जगह वितरित होते हैं। धनावेश और ऋणावेश की मात्रा अगर समान है तो परमाणु विद्युत रूप से कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। परमाणु विद्युत रूप से कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड के अंदर प्लम नाम पुडिंग नाम की एक मिठाई होती है, जिसको क्रिसमस केक मान लो आप, ठीक है ना, गोल मिठाई होती है, केक गोल होता है, और उसमें प्लम नाम के जो फल होते हैं वो जगह जगह लगे होते हैं, जैसे केक के अंदर आप ड्राई फ्रूट्स लगा देते हो। अगर भारतीय कल्चर में इसका उदाहरण लें हम, तो या तो बूंदी का लड्डू ले लो, बूंदी के लड्डू को आप गोला मान लो, धनावेशित गोला, और बाद में जगह जगह काली मिर्च जो तुम लगाते हो वो क्या मान लें हम, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन मान लें। या फिर आप तरबूज का उदाहरण ले लो, तरबूज गोल, एक तरबूज ले लें और गोल तरबूज को हम काटें तो तरबूज का जो लाल वाला भाग है वो तो धनावेशित गोला हो गया, और वहाँ में जगह जगह जो बीज लग रहे हैं वे क्या हो गए, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो धनावेश और ऋणावेश की मात्रा समान होने के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये बात कही है किसने, जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन का ये जो परमाणु मॉडल था इसको मान्यता नहीं मिली थी, क्योंकि जे जे थॉमसन इस बात को नहीं बता पाए कि परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन जगह जगह वितरित हैं तो इनका वितरण किस प्रकार से है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतकू ज़्यादा होए इतकू कम होए, या एक आधे हो या दो चार रखे हों, तो इलेक्ट्रॉन के वितरण के बारे में कुछ नहीं बता सके वे, और ना ही वो ये बता सके कि परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, ये डट कैसे रहे, किस जगह पर रुक रहे हैं और करते क्या हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में थॉमसन किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं दे पाए, इसलिए थॉमसन के परमाणु मॉडल को मान्यता नहीं मिली। जब थॉमसन के इस परमाणु मॉडल को निरस्त कर दिया गया, मान्यता नहीं दी गई, तो एक और वैज्ञानिक आए जिन्होंने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए एक प्रयोग का सहारा लिया, और उस वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। ठीक है, तो थॉमसन के बाद हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट से। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए पहले एक प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था ना, उनकी कमियों को ध्यान में रखा था कि थॉमसन के मॉडल की क्या कमी रह गई थी। तो थॉमसन की कमियों को ध्यान में रखते हुए रदरफोर्ड ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया तो उसने पहले एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग के द्वारा सिद्ध करके बताया कि परमाणु किस प्रकार का होता है। तो रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया था उसको बोलते हैं हम रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, और अब हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, ठीक है ना। तो देखो, रदरफोर्ड ने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर ये प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने कुछ अपने शिष्यों के साथ मिलकर ये प्रयोग किया था, और इस प्रयोग में उसने क्या किया कि उसने सोने की एक बहुत ही पतली झिल्ली बनाई, ठीक है ना। तो इस प्रयोग को लिखना स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी
पर सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया। रदरफोर्ड के द्वारा कौन सा प्रयोग किया गया? उसने क्या किया, सोने की एक पतली सी पन्नी बनाई और सोने की पतली पन्नी बनाकर उसके ऊपर कौन से कणों की बमबारी कराई? अल्फा कणों की बमबारी कराई। ठीक है ना। तो देखो इसने क्या किया था, इसने सोने की बहुत ही पतली जिसकी मोटाई, प्रयोग लिख रहा हूं मैं अब, इन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली झिल्ली कह दो चाहे पन्नी कह दो, झिल्ली जिसकी मोटाई 10^-7 मीटर, झिल्ली की मोटाई कितने की 10^-7 मीटर या 100 नैनोमीटर, इतनी मोटाई की झिल्ली थी। इसके ऊपर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों के पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, अल्फा कणों की, ये जो अल्फा कण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये हीलियम के नाभिक होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के नाभिक। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 हीलियम के नाभिक होते हैं। मैं लिख रहा हूँ जानकारी को पूरी को, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार कराई, बौछार कराई। ठीक है, ये जो झिल्ली इन्होंने ली थी सोने की जो झिल्ली थी, इसके चारों तरफ, झिल्ली के चारों ओर एक पर्दा लगा दिया था इन्होंने, चारों ओर जिंक सल्फाइड लेपित वृत्ताकार, जिंक लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा। और इस पर्दे को रखने का लाभ क्या हुआ, जिससे कि बमबारी कह दो चाहे बौछार कह दो के बाद अल्फा कणों के टकराने, अल्फा कणों के पर्दे से टकराने पर फ्लैश उत्पन्न होगी, पर्दा से टकराने पर उत्पन्न चमक से, उत्पन्न चमक से अल्फा कण की दिशा का ज्ञान हो सके। यूं पता पड़ जाए कि अल्फा कण किधर से आया और किस तरफ चला गया। ठीक है ना। तो देखो इनके लिए ये जो प्रतिदीप्तिशील पर्दा लगाया था, इस पर्दे को ना प्रतिदीप्तिशील बोलते हैं। तो मैं चित्र बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर ये पर्दा बना दिया मैंने वृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार पर्दा और पर्दे के भीतर क्या रख देंगे, सोने की पन्नी।
जिसकी मोटाई कितनी है बच्चिया, 10^-7 मीटर मोटी, ठीक है ना। सोने की पन्नी रख दी, पर्दा रख दिया, पर्दा लगा दिया, पर्दे के ऊपर लेप कर दो, किसका, जिंक सल्फाइड का। तो देखो लेप कर रहा हूँ मैं, ये इस तरह से मैं लेप को प्रदर्शित कर रहा हूँ, ये पर्दे के ऊपर लेप हो गया, ठीक है। अब आपको अल्फा कण इसके अंदर भेजने हैं, तो देखो यहां पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, बॉक्स को ध्यान से देखना, क्यूब बनाना है आपको, और ये अल्फा कण सोर्स रख दिया मैंने, यहां से अल्फा कण जा रहे हैं, पन्नी के ऊपर, ठीक है ना। पन्नी के ऊपर ये अल्फा कण टकराते हैं, तो देखो कुछ अल्फा कण तो इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, कुछ इस तरफ जा रहे हैं, इस तरह से इनका प्रकीर्णन मान लेते हो आप, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, एक भी कण सीधा नहीं जा रहा है, तो इसको लिख देता हूं मैं वृत्ताकार पर्दा, इसको लिखेंगे प्रतिदीप्तिशील पदार्थ, कौन सा है, जेडनेस, और ये क्या है, सोने की पन्नी चाहे सोने की झिल्ली, ठीक है ना। और यहां से कौन जा रहे हैं, अल्फा कण, और ये अल्फा कण स्रोत, ये प्रयोग किया उन्होंने, प्रयोग को ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखते हैं इस प्रयोग को करने के बाद उसने, ये तो उसके प्रैक्टिकल का चित्र है, ये जो चित्र आप देख रहे हो ये उसके प्रैक्टिकल का चित्र है, ठीक है ना। अब इसके बाद, इस प्रयोग को करने के बाद उसने एक चित्र और सजाया, सुझाया, और वो चित्र क्या सुझाया था देखो, एक व्रत और बनाएंगे आप लोग, और इस व्रत के अंदर उसने सभी अल्फा कणों को समझाया कि कौन सा अल्फा कण कहाँ गया था, ठीक है ना। जैसे ये पर्दा मान लियो, ठीक है, और बीच में हम इलाके में जहाँ तुमने प्रकाल दी वहाँ पर एक केंद्र बिंदु मान लेते हैं। अब देखो अल्फा कण आएंगे, कुछ अल्फा कण तो इस तरह से जा रहे हैं, इसी तरह से यहां से निकल रहे हैं,
अब अल्फा कण इसके नज़दीक गया जो न्यू मुड़ इधर मुड़ गया, इधर से कोई नज़दीक आया जो इस तरफ मुड़ गया। समझ में आ रही है सवन की में अल्फा कण किस तरफ से जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। और देखो एक अल्फा कण बीच में से सीधा गया, इससे टक्कर मारी और वापस लौट आया, ठीक है। तो ये तो कौन है, सीधे जाने वाले अल्फा कण, और इसको क्या बोलोगे, पथ से विचलित, पथ से विचलित अल्फा कण, ठीक है ना। ऐसे ये पथ से विचलित अल्फा कण और ये सीधे जाने वाले कण, एक एक जगह लिख दें हम नामन ने, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है सबकी में। तो पहले तो आपको ये वाला चित्र बनाना है, उसके बाद इस चित्र को बनाओगे आप, पहले या बतवा नहीं हो, पहले प्रयोग को और फिर या प्रदर्शन है। और यहाँ के नीचे लिखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो प्रयोग का वर्णन हमने कर दिया है, उसने क्या लिया था, सोने की पन्नी ली थी, बहुत पतली थी, उसके ऊपर उच्च ऊर्जा वाले कण हीलियम के जो नाभिक होते हैं अल्फा कण, उनकी बमबारी कराई। और बमबारी कराने के बाद इसमें से देखो अल्फा कण सोने की पन्नी से निकले, निकलकर कहाँ गए, यहाँ टकराए। जैसे ही आप पर्दाते अल्फा कण टकराएंगे तो ये जो प्रतिदीप्तशील पदार्थ होता है जिंक सल्फाइड का, जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वही जगह पर चमक उत्पन्न हो जाएगी। अब यहाँ पर जब चमक उत्पन्न हो जाएगी तो हमको ऐसा पता लग जाएगा ना कि अल्फा कण यहाँ टकराया, अगर यहाँ चमक उत्पन्न हुई तो हमको पता लगेगा यहाँ पर टकराया, यहाँ पर चमक उत्पन्न हुई तो यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, इस तरह से उसने आरेख खींच लिए। ये जो आरेख खींचे कि भाई इस जगह पर टकरा गया, इस जगह पर टकरा गया अल्फा कण, लेकिन उसने ये देखा कि भाई सीधम सट यो ना निगरो ये को कण, सीधो ये को ना निगरो या जगह पर ये को ना टकरा, यानी कि पूरा एरिया कैसे रही है खाली, ठीक है ना। तो देखो ये एरिया खाली दिखाई दे रहा हो ना यहाँ पर, अब देखो ये अल्फा कण ई जा रहा हूँ पर टक्कर मार के कछु बीच में आते बाद लौट के ई आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है। और चित्र बनाने का सिस्टम आपको पता ही है किस तरह से बनाना है, ठीक है ना, पहले ये बनाना है फिर ये बनाना है। तो आज तो बेटा आपने इस प्रयोग को देखा है, लेकिन इस प्रयोग से उसने क्या निष्कर्ष निकाले और इन निष्कर्षों से उसको क्या परिणाम प्राप्त हुए और इन परिणामों से उसने कौन सा परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और उसने क्या उपलब्धि इसके अंदर प्राप्त की, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे, ठीक है बच्चों। आज के लिए आप इसको नोट कर लीजिए।